देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौजवानों को एक अदद नौकरी की तलाश है। कानपुर में तो सरकारी झाड़ू थामने के लिए 6 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भी भर दिया। कानपुर नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों की नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला, जिसमें बीए एमए के साथ साथ पीएचडी किए बेरोजगार भी शामिल है। बुजुर्गों से एक जुमला सुना था, पढ़े फारसी और बेचे तेल। जुमले का मतलब काबिलियत के हिसाब से काम नहीं मिलना है। यूपी के कानपुर में हजारों एमए बीए पास बेरोजगार नौजवानों पर यह जुमला फिट बैठ रहा है। हंसी में मत लीजिएगा, मामला बेहद संजीदा है। सालों की कड़ी मेहनत से बीए एमए पास ये नौजवान हाथों में सरकारी झाड़ू पकड़ने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। कानपुर नगर निगम ने संविदा सफाई कर्मचारी के लिए विज्ञापन निकाला है। नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के 3,275 खाली पदों के लिए विज्ञापन दिया है। एक अदद नौकरी की तलाश है, लिहाजा 6 लाख से ज्यादा आवेदन पहुंच चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या एमए बीए पास बेरोजगार युवाओं की है। बेरोजगारी इतनी है, करने के बाद भी ये सफाई काम करना पड़ रहा है। सरकार से ये कहना है कि अच्छी भर्तियां निकाले और जो है ज़्यादातर लोगों को रोजगार मिल सके। ये चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन पास होने के बावजूद भी हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए सफाई कर्मचारी का हम फॉर्म डाल रहे हैं। और हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है। कानपुर के मेन पोस्ट ऑफिस में नगर निगम में संविदा सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की भारी भीड़ है। बीए एमए के साथ साथ कई पीएचडी डिग्री वाले भी इस नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तालीम हासिल करते वक्त इन सभी ने ऊंचे ओहदे पर बैठने, अफसर प्रोफेसर बनने का ख्वाब देखा होगा, लेकिन पेट पालने के लिए पैसों की जरूरत होती है। बेरोजगारी शूल की तरह चुभती है। फॉर्म देख रहे हैं, जब फॉर्म ही नहीं मिल रहा है तो जब मतलब जॉब मिल नहीं रही है कहीं पे, तो ये मतलब सरकारी कर्मचारी की तो हमने कहा इसी में भरें, फिर क्या करने चाहिए, तो इसी में भर रहे हैं। कानपुर नगर निगम को अब तक 6 लाख से ज्यादा फॉर्म मिल चुके हैं। देश में बेरोजगारी बहुत है, लिहाजा आवेदन का आंकड़ा बढ़कर 8 लाख पहुँच सकता है। अधिकारी भी हैरान है, जिस नौकरी के लिए नगर निगम ने कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय नहीं की है, उसके लिए हजारों एमए पीए पास बेरोजगार नौजवान नौकरी की आस में कतार में हैं। फॉर्म भी बहुत ज्यादा आ गए हैं और शैक्षिक योग्यता उसमें कुछ है नहीं, और जो है जबकि उसमें पीएचडी और एमए बीए वाले फॉर्म डालना है, इस पर भी मांगा जाएगी इसको कैसे किया जाए, क्योंकि कोई आधार तो है नहीं शैक्षिक योग्यता जब है ही नहीं उसमें। सम्मान हर काम का होना चाहिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मसला हाथ में झाड़ू थामने का नहीं है, लेकिन एमए बीए पास बेरोजगार युवाओं की ये तस्वीर बेहद दर्दनाक है। ये हाल तो सिर्फ कानपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए है, पूरे देश में बेरोजगारी का क्या आलम है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कानपुर से राजेश एन अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।